ये जो ब्रांड का बारकोड प्रिंटर मेरे हाथ में अभी तक आया नहीं ये जो ब्रांड है दोस्तों एक्स प्रिंटर। एक्स प्रिंटर वर्ल्ड में बहुत यानी फेमस प्रिंटर दोस्तों इसका दो तीन मेन रीजन है नंबर वन प्राइस बहुत सस्ता है नंबर टू इसका जो बिल्ड क्वालिटी इसका जो कैपेबिलिटी और इसका जो सिंपलिसिटी इसका जो ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करना पेपर इंस्टॉल करना बिल करना एकदम सिंपल है कोई भी लोग कर सकता है

मेंटेनेंस फ्री होता है मेंटेनेंस फ्री ये चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमारा जो चीज हार्डवेयर खराब होने से मैंने सबसे ज्यादा एक्सप्रिंटर ये इस तरीके से जो रसोल का प्रिंटर इसलिए सेल कर रहा हूं मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आएंगे क्योंकि मेरे कस्टमर को दिक्कत आ गई तो मुझे भी दिक्कत है ना क्योंकि उसको रिप्लेस करना जो भी करना करना पड़ेगा ना ये भले इसलिए मैंने मेरे कस्टमर को दे रहा हूं मुझे भी कोई टेंशन नहीं है कस्टमर को देने से क्योंकि ये खराब नहीं होता है जैसा एक प्रिंटर मैंने पर्टिकुलरली इसलिए दे रहा हूँ 2016-17 का जब भी मैंने कस्टमर को दिया था तब अभी भी परफेक्टली चल रहा एक है एकदम परफेक्ट अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों ज़्यादा बातचीत करके मेरे को आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ये देखिएगा इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं प्लास्टिक कवर में डाल के आया मैंने फर्स्ट एक पीस लेके आया तो मैंने बोला भाई मेरे को एक पीस दे दो मेरे कस्टमर के सामने अनबॉक्सिंग करेंगे और मैंने हंड्रेड पीस का ऑर्डर दे देंगे आज ये देखो मैंने आपके सामने सारे टेस्टिंग करवा देता हूँ इसका जो पैकिंग इस तरीके से आती है ये देखिए ये देखिए दोस्तों और इसका जो मॉडल नंबर यहाँ लिखा हुआ था टी टी फोर टू सिक्स बी ठीक है जी इसको हमने आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला है ये देखिए फ्रेश अन फ्रेश आपका सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वाओ वाओ ये जो बाउल बाउल पार्किंग है ना हर एक आदमी कर रहे हो हर एक प्रिंटर लोग कर रहे हैं ये एक्चुअली मैंने सबसे पहले देखा टीएससी प्रिंटर में देखा था बाउल बाउल पैकिंग ये जो पिल्लो टाइप ये इवन नीचे गिरने से भी ये खराब नहीं होता है ये देखो इसके अंदर है ना कंप्रेस लेयर होता है कंप्रेस लेयर ये इसका चारों जगह पे लगा हुआ है कंप्रेस लेयर का जो म, मतलब ये होती है इसके अंदर और एक बॉक्स है ये देखो ये जो बॉक्स है क्या क्या है हमने देखेंगे सबसे पहले ये करेंगे या ये करेंगे ये देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है आप देखिए इसका पावर सप्लाई का के केबल के है और इसका जो वैक्स जो रिबन होता है ना उसका सैम्पल है और ये जो थर्मल पेपर रोल या ये न, स्टिकर रोल होल्ड करने के लिए जो सपोर्ट होता है ये जो है आपको जो वैक्स डालने के लिए जो सपोर्ट है और उसका गाइड है वैक्स यानी स्टिकर रोल का और यूएसबी केबल है जो कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए ये आपको वैक्स डालने के लिए वैक्स ये स्टिकर का कुछ सांबड़ है ये सी है कोई काम का नहीं क्योंकि आजकल कोई कंप्यूटर में सी नहीं आता है मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको डाल देता हूँ ये इसका पावर सप्लाई का अडाप्टर है दोस्तों। ये ये इस तरीके से एक अडाप्टर होता है ठीक है तो इतना चीज इसके अंदर है ये जो पैकेट के अंदर तो हमारा जो प्रिंटर को देखेंगे जो मैंने इतने सालों से इसको वेट कर रहा था दोस्तों ये <laughs> वाओ ये थोड़ा सा यहाँ से हमने ओपन कर लेते हैं वाओ पैकिंग से थोड़ा सा हमने बाहर कर लेते हैं ये देखिए ये प्रिंटर इस तरीके से दिखाई देती है दोस्तों यहाँ इसका ओपनिंग होता है यहाँ प्रेस करना है यस ब्यूटिफुल मैकेनिज्म है ये देखिए और ये काली इसका कवर होती है इसमें एक कवर में कुछ नहीं होता बेसिकली जितना भी बारकोड लेवल पर अंदर आती है आपको एक स्टैंड यहाँ मिलता है देखो ये यह सपोर्ट यहाँ आपका पेपर रोल वगैरह बैठता है तो वहाँ ये जो सपोर्ट भी बैठ जाएंगे ये देखेंगे इस तरीके से और यहाँ देखो ये यह जो स्विच है ये आप देखिएगा इस पर प्रस करने से खोल जाती है और उसका हेड वगैरह आपको इधर दिखाई देंगे देखिए ये थर्मल हेड होती है हीट से हीट और रिबन में गिरेंगे और रिबन आपको यहाँ बैठेंगे और ये जो सेंसर आपको दिखाई देते पेपर सेंसर ये देखिए ये दोनों सेंसर है ये इसके अंदर भी सेंसर है ये इधर करके इसका नीचे से पेपर डाल देंगे थर्मल पेपर डाल देंगे यहाँ से ये बाहर आ जाती है है ना और यहाँ देखो एक फीड बटन वगैरह दिया हुआ है फीड बटन और इसके पीछे ये जो उधर प्रस बटन ये सही में आपको ये बंद करने का टाइम है ना ये एक्टिव होता है यहाँ ये इसका पुशिंग होता है और यहाँ देखो क्या क्या है यूएसबी है पावर सप्लाई बस और कुछ नहीं है ठीक है और यहाँ देखो एक ग्लास टॉप है ये स्टिकर हम निकाल भी सकता है एक ग्लास टॉप है अंदर आ, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको सन ग्लास जैसा एक लगा हुआ है और काफ़ी क्यूट है दोस्तों इसका मटेरियल एकदम अच्छा लग रहा है मेरे को एकदम सरफेस फिनिशिंग एकदम अच्छा सरफेस फिनिशिंग मिल जा रहा है और यहाँ इसका ऑन ऑफ स्विच भी दिया हुआ देखिए ऑन ऑफ स्विच ठीक है और इसके बैक साइड में इसके क्या क्या है इसका मॉडल नंबर है TT426B और सपोर्ट वगैरह बुश वगैरह इधर दिया हुआ है देखिए सपोर्ट तो इस तरीके से एक प्रिंटर है दोस्तों और इसका मेन मेन खास चीज क्या है दोस्तों इसका जो कैपेबिलिटी उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रिंटर में आप कितनी लाख प्रिंट करिए कोई दिक्कत नहीं है मैंने आपको सामने टेस्टिंग करने वाला दोस्तों अभी अभी मैंने ये प्रिंटर मेरा टेबल में रखा हुआ दोस्तों और हमने एक बिलिंग सॉफ्टवेयर से इसको प्रिंट कर देता हूँ दोस्तों ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है रेनटेक पीओ बिलिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों देखिए इंडिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी रिटेल पीओ बिलिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों रेनटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर ये रेनटेक सोफ्टवेयर को ऑफिस है दोस्तों सारे कस्टमर केयर वगैरह सब कुछ यहाँ से होती है और ये जो प्रिंटर के अंदर आपको दो चीज डालना होती है ये देखो ये जो स्टिकर रोल होती है देखिए ये जो स्टिकर रोल देखिए दोस्तों ये टू बाई वन इंच का प्री कटेड स्टिकर आप देखिए

कहता है इसको टू अप हमने मैंने लोकल लैंग्वेज में ड्यूवेल uh, करके बोलता है लेकिन प्रैक्टिकली बोलता है टू अप टू अप मतलब एक साथ दो दो प्रिंट होता है चलिए ये जो प्रिंटर का है ना यहाँ देखो प्रस करिए सेम ऑपोजिट साइड से में भी सेम सेम है अब यहाँ प्रस करिए ऊपर करिए यस सिंपल और मैंने पीछे से ये पावर सप्लाई लगाया हुआ है वो थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ ये देखिए वेरी सिंपल है देखो ये यूएसबी uh, केबल लगाया ये वाला ये देखो ये मैंने कंप्यूटर में कनेक्ट किया है बस और ये पावर सप्लाई लगाया बस हो गया और कुछ नहीं और ऊपर ये जो कवर लगा रखा वो जब नया है तभी से चलिए इसको तो थोड़ा हमने खोल देते हैं बड़े प्यार से इसको खोल दिया तो इसके ऊपर देखो ये जो ये जो देख, जगह देखा आपने ये दोनों में प्रेस कर दीजिए थोड़ा सा प्रेस कर लिए, कर लिए। ये इस तरीके से ओपड़ होती है इसके अंदर कुछ चीज होती है देखिए ये एक सेंसर होती है ये देखो ये आगे पीछे मूवमेंट होता है ये एक सेंसर होता है यह भी आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है पीछे कर सकता है यह पेपर गाइड होता है देखिए पेपर गाइड ठीक है जी, और हमको तीन चार चीज की जरूरत है ये जो प्रिंटर के साथ आती है यह भी प्रिंटर के साथ आती है और यह भी आती है वैक्स रिबन डालेंगे हम देखेंगे ये वैक्स रिबन कई सारे ब्लू कलर में आती है ये कलर में आती है कई सारे कलर में इसका आउटसाइड कलर आती है लेकिन इनसाइड मैक्सिमम ब्लैक की आती है नॉर्मली ब्लैक कलर का ही प्रिंटिंग होता है ना ये कैसे करना है ये थोड़ा सा खींच लेना इस तरीके से देखिए यहां गम होता है देखिए ये गम होता है एक जगह पे गम होता है आप कैसे करना है देखिए ये थोड़ा सा वेरी सिंपल वे में आपको लगाने के लिए मैं तरीका बताता हूँ एक साइड ग्लोसी होती है दूसरा साइड मैट फिनिश होती है मैट फिनिश ये मैट फिनिश है ये ग्लोसी है ठीक है जी ग्लोसी साइड का भी हमेशा अंदर रहना चाहिए ये ऐसा रखो और ये जो दो स्टिक का आपने देखिएगा ये जो इस तरीके से दो स्टिक आती है देखिए ये स्टिक आपको एक यहाँ बैठता है ये देखो यहाँ इसका लॉक होती है यहाँ बैठता है देखिए इस तरीके से बैठ जाती है ये इधर से ऊपर उठा सकता है ये देखिए ये निकल गया ठीक है सेम वे में सेम स्टिक आपको इधर भी लगा सकता है देखिए ये जो इधर लगा दिया पुश कर दिया बस हो गया चलिए अभी हम क्या करना है सेम डायरेक्शन में हमको ये लगा दीजिए देखिए देखा और ये जो वैक्स रोल के अंदर भी सेम डायरेक्शन में लगा दीजिए ये देखा ये, ये काउल जो है ना इधर बैठना है इसलिए, इसलिए। देखा सिंपल और ये सबसे पहले आपको ये लगा सकता चाहिए तो सीधा सीधा ये देखा सिंपल और ये जो पीछे इस तरीके से लंबा है वो देखा आप ध्यान रखना है ये नीचे बॉटम साइड से आती है ऊपर का साइड से नहीं है ये नीचे साइड से आया हुआ है है ना ये रोल का और ये साइड ग्लोसी है ये साइड मैट फिनिश है चलिए इसमें ये दो जगह ये जो जगह पे गम है, देखिए ये जी गम है आप उसको उठा लीजिए इधर रखिए देखा उसको जैसे चाहिए आपने उसको फोल्डिंग करिए देखा सिंपल वे में इसका फोल्डिंग हो गया अभी पूरा घुमाने की जरूरत नहीं है आप सीधा सीधा उसको लगाइए और ये दिखाए ये देखो इधर इधर ये सीधा सीधा नीचे डाला होता है देखा ना इस तरीके से बस अब ये जो व्हील है ना इसको पढ़ के घुमाइए आराम से बढ़ के और कुछ नहीं करना बस वाक्स डालना इतना सिंपल है दोस्तों चलिए ये चीज है टू बाई वन जी का जो स्टिकर होते हैं स्टिकर देखिए स्टिकर का क्या करना आपने ये सब बंद करिए ये जो स्टिक है ना इसको अंदर डालिए और ये लोकेशन यहां है इधर पहले मत डालो आप इसको पीछे ले रखिए ठीक है जी अभी इसको थोड़ा सा ऊपर करिए ये जो आ, स्टिक है ना इसका नीचे से लाइए ये देख ये जो पेपर ग्रेड है ना उसके बीच से लाइए और ये जो सेंसर दिया हुआ है ना इसका अंदर से लाइए देखो ये जो सेंसर है ना ये आधा कटा हुआ है यानी ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना ये देखो इसका यहां से आ रहा है और ये सेंसर कभी भी, भी सेंटर मत रखो सेंटर रखेगा तो ये जो लाइन पकड़ेगा ये जो सेंटर का लाइन है ना पकड़ेगा तो आप थोड़ा सा ये रखो तो ये जो ज्ञाप है ना इसको ये गैप करना है हमको हॉरिजॉन्टल और इसको पेपर गेट का नीचे डालिए ज्यादा दबाने का नहीं है। मतलब पेपर फ्रीली आना भी चाहिए ठीक है जी और अभी ये पीछे से उठा करके ऊपर रखिए बस ओके तो हमने वैक्स भी डाल दिया स्टिकर भी डाल दिया आप सीधा इसको बंद करिए बस और इसको ये नीचे करने वाला था <laughs> लगा 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 पीछे के पीछे गया परंतु इसको भी आपने बंद करिए दोस्तों बस हो गया और ये जो स्विच है इसको सीधा ऑन करिए बस हो गया अभी हमने प्रिंट करने वाला दोस्तों यहां से ये मैंने रइड पीएस बिलिंग सॉफ्टवेयर खोल के रखा हुआ है इंडिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको सारे चीज इसमें होती है आपका जितना बिलिंग बार कोडिंग व्हाट्सअप अगर कई सारे फीचर्स है इसके अंदर तो, आप देखिए इसको देखो बार कोड जितना भी प्रोडक्ट्स इसके अंदर तो डाला हुआ है ना सारे प्रोडक्ट इधर दिखाई देती है मैंने कुछ प्रोडक्ट इधर देखो इसको टिक करके कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने इधर से सेलेक्ट कर दे रहा हूँ देखिएगा ये बहुत सारे टेम्पलेट्स है आपको इधर दिखाई देती है टू बे वनिंग्स प्रीव्यू एक बार देखेंगे किस तरीके से रहता है ये एक स्टाइल अच्छा नहीं लगा मुझे डबल सेट ये देखो हाँ ये सी है चलो लगा दो प्रिंट कर दीजिए ये जो प्रिंटर का ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किया था सिंपल ड्राइवर है दोस्तों अगर इंस्टॉल करने के लिए कोई दिक्कत आ गई तो मेरे को कॉल कर देना जी मैं कर देता हूँ प्रिफ्रेंसेस में जाइए पेज सेटअप में जाइए और बार कोड वाला सेलेक्ट कर दिया मैंने ओके कर दिया अप्लाई कर दिया अभी प्रिंट आएंगे प्रिंट आया ना परफेक्टली आया ना परफेक्टली बन रहा चुका है थोड़ा सा ऊपर कट जा रहे हैं थोड़ा सा अब उसके लिए क्या करना है उसको ग्लॉस करिए और प्रव्यू ले लीजिए और पेज सेटअप्स और टू बाई वन इंच बारकोड में लेबल विथ गैप्स मार्क्स करके देखेंगे अभी कटेगा क्या नहीं कटेगा बता नहीं देखता हूँ अभी भी थोड़ा सा मतलब ओके okay है लेकिन थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा गया हुआ है प्रिंट प्रिंट्स प्रफ्रेंसेसोक लेवल विथ गैप्स डाल देंगे और गैप uh, हाइट हमने पॉइंट वन टू डाल के रखा हुआ इधर और थोड़ा सा बढ़ाएंगे वन सेवन डालेंगे ये गैप का हाइट है ना थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने तो इंजस्ट स्टैंडर्ड में भी डाला हुआ है चलिए अभी प्रंट आएंगे अभी बराबर आ गया देखिए जैसे गैप मैंने बढ़ाया है ना ये थोड़ा सा ऊपर के गैप ज़्यादा हो गया नीचे लेकिन थोड़ा सा कट है पहले क्या हो रहा था ये देखिए ये ऊपर थोड़ा सा मतलब जा सामने जा रहा है ना ये ऊपर ज़्यादा हमने डाल दिया अभी लेकिन नीचे थोड़ा सा कट रहा तो हमने जो गैप डाला ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा काम कर लेते हैं सेटअप और इसको देखो स्ट्रोक में ये वन सेवन हमने जो डाला है ये वन सेवन डाला आप देख रहे हैं आपको कैमरा में यस ये पहले वन टू था अभी हमने क्या करेंगे वन कर देते हैं ये ये बराबर है देखेंगे अभी आएगा कैसे देखेंगे ये देखो हाय 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 अब अभी एकदम तो परफेक्ट आया दोस्तों देखिए ये नीचे वाला भी परफेक्ट है ऊपर वाला भी परफेक्ट है अभी हमने कंटिन्यूस प्रिंट करने वाला दोस्तों इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा प्रिंट करेंगे दोस्तों इसका क्वांटिटी हमको चेक करना है वन हंड्रेड को डाल देंगे मैंने वन थाउजेंड को और इसका से एक बार देखते हैं सेम परफेक्ट एवरीथिंग ओके चलिए प्रिंट आ जाएंगे दोस्तों अभी कंटिन्यूस हमने प्रिंट कर देंगे अभी क्वालिटी कैसे सब कुछ हमने देखे जाएंगे देखे जाएंगे देखे जाएंगे अभी कंटिन्यूस प्रिंट के लिए डाला हुआ है हमने इधर बैठेंगे ये देखो अभी ये जो प्रिंटर का है ना जी हमको इस तरीके से टेस्टिंग लेना है कि जब भी ज्यादा प्रिंट होने में के, होने के टाइम कोई दिक्कत आता है क्या कंटिन्यूस प्रिंट आने का टाइम कोई रुक जाएगा क्या और हमारा जो हैवी ड्यूटी परपज के लिए हो सकता है क्या तो ये सारे चीज़ का जानकारी हम लेंगे उधर से हवा आ रहा है मैंने पंगा लगाया हुआ है ना सुलिए इधर आ रहा है स्पीड भी एकदम सही आ रहा है इसमें आपको ओवा बारकोड भी प्रिंट कर सकता है जैसा अंगूठी वगैरह में लगता है ना ये छोटा सा बारकोड वो भी प्रिंट लग... होता है बहुत छोटा सा होता है आ, वो भी मैं लेके आता हूँ ये प्रिंट आपको वीडियो करिए वो आंखूटी वाला जो बारकोड में लेके आता हूँ आज ये देखो ये देखो आपको मैंने ये चीज भी दिखा दे रहा हूं ये प्रिंट सामने आने दीजिए ये वाला जो बारकोड आपने देखिए दोस्तों ये देखिए ये अंकूठी में लगता है बारकोड भी आता है इधर आपका प्राइस वगैरह सब कुछ प्रिंट आउट आता है देखिए सही देखिए ये इस तरीके से टाग होती है देखिए ये आपको मामेसोन में खरीदने मिलते हैं अराउंड सेवन हंड्रेड रुपीज़ है मेरे ख्याल से ये सिंथेटिक मटेरियल है दोस्तों ये देखो ये एक्चुअली सिंथेटिक मटेरियल होता है देखिए ये काटा का नहीं ये प्लास्टिक का तरह मटेरियल है प्लास्टिक अच्छा मेरा सिंथेटिक टाग मैंने आपको सिंथेटिक है मेरे ख्याल से प्लास्टिक नहीं सिंथेटिक ये जो है ना इस ये कलर में भी आती है वैक्स ये अंदर पूरा ब्लैक ही है ये पूरा ब्लू कलर है ये प्रिंट जो क्वालिटी आप देखिए एकदम परफेक्ट क्वालिटी में आते देखिए कोई भी कोई भी देखो आपने शार्प प्रिंटिंग आएंगे दोस्तों ये जो का एक खास बात यही है दोस्तों इसका क्वालिटी बहुत अच्छा आता है ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना ये देखो बहुत ब्यूटी लग रहा है एक्सप्रेंडर का कोई भी मॉडल हो मेरे पास कई सारे मॉडल से आपको मैंने पहले भी दिखाया था ना ये जो मॉडल है ए एम एक्सपलेंडर का एक एक मॉडल है दोस्तों इतना हेवी ड्यूटी है दोस्तों ये प्रिंटर मैंने इस तरीके से कंटिन्यू प्रिंट किया था ये जो प्रिंट अभी आ रहा है ना इस तरीके से मैंने कंटिन्यू प्रिंट किया था जबरदस्त प्रिंट रही है जबरदस्त इसके अंदर पेपर डालना बिल करना बहुत ईसी है ये देखो और इसका सबसे बड़ा खास बात क्या है एक का जितना भी ड्राइवर्स होती है वो मैजिक है क्योंकि आपने ड्राइवर इंस्टॉल करो तुरंत का तुरंत वो खींच लेते हैं दूसरा प्रिंटर में क्या होता है ना हमने प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करके उसको कनेक्ट करना पड़ता है हाँ इसका है भाई इसको थोड़ा जोड़ो भाई इसका ही प्रिंटर है इस तरीके से हमने उसको जुगाड़ सिस्टम लगाना पड़ता है लेकिन एक्स प्रिंटर में ऐसा है एक्स प्रिंटर का जैसा बिल प्रिंटर के लिए वी पॉइंट वी सेवन पॉइंट सेवन सेवन बोलकर के जो ड्राइवर है एक नंबर का ड्राइवर है दोस्तों अब ये जो प्रिंटर आ रहा है आप देखिए एक नंबर का क्वालिटी में आ रहा जा रहा है देखिए एक नंबर का शार्प प्लस ये देखिए ये एक नंबर का शार्प प्लस है दोस्तों ये एक नंबर का और मैंने खोल के दिखा रहा हूँ जैसा ये देखो ये पेपर खत्म होने वाला है ये देखो ये अभी ये पेपर खत्म होने वाला है ये कैसे कैसे प्रिंट होता है देखिएगा ये जो वैक्स है ना जी ये घूम रहा है नीचे तो बॉटम साइड में हमने बड़ा वाला वैक्स डाला हुआ है और इसके बॉटम साइड में वो ये जो व्हील है ना ये घुमा घुमाती है और उसके नीचे से ये प्रिंट होते ही जाती है एक्चुअली क्या करता है ना इसके ऊपर एक हेड है थर्मल हेड ये जो कार्बन सॉरी वैक्स होती है वैक्स ठीक है जी कार्बन ये कहता है वैक्स कहता है जो भी है इसमें से जो कार्बन है ना इसमें चिपक जाती है बस वो हीट के वजह से गर्म हीट के वजह से और दूसरा और एक टाइप का आती है जो डायरेक्ट थर्मल आती है ये ये खत्म हो गया देखिए ये खत्म हो गया पूरा ये हमने खत्म होने से क्या करना है ऑफ करिए और दूसरा स्टिकर हम डाल देंगे ये जो अम, स्टिकर हम डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको देखिएगा इसके अंदर डाल देंगे सिंपल डालने के लिए बहुत ईजी है ये जो हो गया ना इसको आप इधर प्रेस करके ऊपर उठाइए ये ख़त्म हो गया खत्म चलो इसको हम खोल देते हैं टू बाई वन जी का जो स्टिकर होंगे oh गॉड ये देखो चलिए अभी क्या करना है ये जो चीज़ है ना जी ये संभाल के रखो ये हमको काम पे आएंगे ठीक है जिससे वैसे ही टेक्नोलॉजी हमने इसको डालेंगे और उसके पीछे साइड में रखेंगे ठीक है और ये नीचे से इसको गुजार देते हैं देखा जी बस हो गया अब ये ये उठा के उसके स्टैंड में डाल दीजिए ये इसी होगा आपको बस हो गया है ना चालू कर देते हैं चलो भैया निकलिए अच्छा ये आ गया दोस्तों देखिए परफेक्ट तरीके से आ रहा है एकदम एकदम इसका एक बढ़िया ही। और ये जो मैंने एक बात बोलने के लिए भूल गया अभी ये जितना भी ये छोटा छोटा जो आ, स्टिकर जब प्रिंट करता है ना इसकी स्पीड कम करना है इतना स्पीड में नहीं डालना है तभी लो स्पीड में डालना है क्योंकि सिंथेटिक वगैरह में प्रिंट करने का टाइम लो स्पीड एक्यूरेसी बहुत जरूरी क्योंकि उसका जो बारकोड भी बहुत छोटा होता है ना बहुत छोटा होता है तो उसका एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है आ, मतलब उसका प्रिंटिंग का तो हमने ये जो स्पीड इसका कम करना है तो स्पीड कम करने के लिए भी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे स्पीड आ, कम करती है ये देखिए यहाँ जाइए ना ये प्रिंटर का ये जो सेटिंग्स के अंदर प्रेफरेंसेस में जाइए स्ट्रोक ये फॉर एग्जांपल ऑप्शंस ये देखिए ये ये जो है ना ये ये आपको दिखाई दे रहा है ये भी इसमें टू इंच पर सेकंड है सिक्स इंच अभी सिक्स इंच पर सेकंड हाई स्पीड में जा रहा है इसको जब भी प्रोसेसन प्रिंटिंग होता है ना इसको कम कर दीजिए और डार्कनेस आपको आगे पीछे करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंटर में मतलब उसका जो ब्लैक कलर जो है ना जी ज़्यादा डालना है कम डालना है अपने उसको सेट कर सकता है अब देखो इतना बड़ा रोल पेपर कितना जल्दी ख़त्म हो जा रहा है अब इधर देखिए कितना जल्दी ख़त्म हो जा रहा है देखिए एकदम फास्ट इतना रोल खत्म होने से भी ये जो कार्बन है ना बहुत कम, -कम कंस्यूम होती है क्योंकि ये 300 मीटर का होती है ये मेरे ख्याल से पांच रोल इसका एक ही रोल में हो जाएगा बहुत मतलब स्ट्रांग है अभी भी आपने देख लो कितना शार्प में ब्रंड आउट आ जा रहा है दोस्तों कितना शार्प क्वालिटी में ब्रंड आउट आ जा रहा है देखिए देखे ना एक नंबर का शार्प ये देखो कितना परफेक्शन है इसका ये देखो जैसे शुरू शुरुआत में जो परफेक्शन है अभी भी वही परफेक्शन आपको मिल जाती है <laughs> कोई भी उठा के देखी आपने इतना शार्पनेस आपको मिल जाती है अभी फोर थाउजेंड स्टिकर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है फोर थाउजेंड नहीं एट थाउजेंड स्टिकर पहले फोर थाउजेंड खत्म किया था अभी प्रिंट आउट हो चुका आप कितना लाखों प्रिंट आउट करिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको ये जो प्रिंटर है के लिए। आपका, ये मात्र, ये आशा ये भी बात बोलना है आपको आप सोचेंगे अभी मात्र ये प्रिंट होगा ये चार से छोटा कोई भी साइज प्रिंट होगा जो दोस्तों समझ लीजिए टू बाई वन इंच का सिंगल वाला चाहिए ओके okay, कर सकता है थ्री इंच का कर सकता है विड्थ व्री इंच बाई वन इंच थ्री इंच बाई टू इंच टू बाई टू इंच कोई भी साइज़ हो चार इंच के अंदर कोई भी साइज इसके अंदर सेटिंग कर सकता है हमने यानी कोई भी कौन सा साइज आपको साथ चाहिए उस तरीके से आपको सेटिंग कर सकता है अभी देखो ये ये भी खत्म होने वाला है इतने सारे हमने ब्रिंडल आउट कर दिया हुआ है कोई भी क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएंगे ब्रिंडल Printer, यह यह देखो। तो आपको अगर पैकेज चाहिए होती है पैकेज मतलब देखो बारकोड गन हो गया और बिल प्रिंटर हो गया और बारकोड प्रिंटर हो गया और इसका जितना भी एक्सेसरीज है वैक्स पेपर रोल स्टिकर रोल ये खत्म हो गया अभी ये देखो प्रिंटर के खत्म हो गया और इसका जो ये वाला जो आ, स्टिकर रोल और बिल प्रिंटर बारकोड प्रिंटर और बिलिंग सॉफ्टवेयर इंडिया का सबसे एडवांस बिलिंग सॉफ्टवेयर प्लस डेडिकेटेड कस्टमर केयर दोस्तों डेडिकेटेड कस्टमर केयर साथ आपको पैकेज में मिल जाएंगे दोस्तों पैकेज कॉम्बो पैक ये सब कुछ एक खट्टा हमने भेज सकता है और हमारा डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम है दोस्तों तो कस्टमर केयर किस तरह से काम करते हैं है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसमें ये साइड में जो टीम बैठा हुआ है मेरा लेफ्ट साइड में ये लोग प्राइमरी टीम कहता है ये प्राइमरी टीम क्या करता है फर्स्ट टेन डे इसके लिए स्पेशल सर्विस है जितना भी कस्टमर्स को इसमें बार कोड सेटअप ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर का जितना कैसा ऑपरेट करना है उसके अंदर का प्रोडक्ट डालना है सब कुछ ट्रेनिंग देती है और हमारा जो हार्डवेयर टीम है वो हार्डवेयर कनेक्ट करके देती है और आपको यानी उसका कोई बिल और बार कोड वगैरह टेम्पलेट वगैरह चेंज करना होती है किसी किसी का वो सब कुछ करके देती है और आपका प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करने के लिए हेल्प करती है इस तरीके से एक स्पून फिट ये एक या दो बार सर्विस करने से नहीं होता है एक कंटिन्यू सर्विस मिलेगा तभी, तभी तभी आपको ये सेटअप प्रॉपरली होती है अगर फॉर एग्जाम्पल फिजिकली हमने आकर के आपको किया तो भी एक बार आएंगे दो बार आएंगे बस इसमें से सीखने वाला नहीं हमको खड़ी खड़ी स्टार्टिंग में सपोर्ट का ज़रूरत है तब की आपने एन एडस को और टीम यूर में कलेक्ट कर दीजिए आपको प्रॉपर सर्विस मिल जाती है और बाकी जितना भी टीम है मेरे को जो पुराना कस्टमर्स है जो टेंडेस के बाद जो भी कस्टमर्स थे और लास्ट थोड़ा सा उधर मेरा सेल्स का टीम है और वहाँ लास्ट मेरा प्रोडक्शन टीम है इस तरीके से कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बैठा हुआ है मतलब इसके जो सर्विस पर्पज के लिए तो कोई भी हेल्प चाहिए सपोर्ट चाहिए बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको लगाना चाहते हैं आपका शॉप के अंदर तो डेफिनेटली कॉल करिए दोस्तों वी आर हियर टू हेल्प यू मई नेम इज शिमिन और आप मेरा नंबर है दोस्तों एट जीरो सेवन एट थ्री डबल वन नाइन फोर फाइव और एट सिक्स जीरो सिक्स जीरो नाइन थ्री वन वन जीरो आप कॉल करिए दोस्तों वी आर हियर टू हेल्प यू Thank you, bye-bye.